एस फोर सूटेड, यहाँ पे स्ट्रोक ने रेस किया है 550,000 चिप्स के साथ। सभी प्लेयर्स किसी के भी प्लेएबल हैंड नहीं, यहाँ पे हैगार्टी जैक 7 ऑफसूट बटन पर उन्होंने भी फोल्ड किया है। जैक 10 ऑफसूट स्मॉल ब्लाइंड पर वन, जैसा कि हम देख रहे हैं बिल्कुल भी आउट ऑफ लाइन नहीं जा रहे हैं इस फाइनल टेबल पर। जोसेफ हर्बर्ट डिफेंडिंग हैंड के साथ 8-10 ऑफसूट बिग ब्लाइंड पर अपने बिग ब्लाइंड को डेफिनेटली डिफेंड करेंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिफेंस कैंडिडेट माना जाता है 8-10 ऑफसूट को, और दोनों ही प्लेयर्स फ्लॉप देखेंगे। हेड्स अप टू द फ्लॉप, और फ्लॉप खुला है 6-7-2, 6 ऑफ डायमंड 7 ऑफ क्लब्स 2 ऑफ डायमंड। यहाँ पे हर्बर्ट के पास 2 ओवर कार्ड्स के साथ एक गट शॉट भी, 9 खुलने पे उनका स्ट्रेट कंप्लीट हो जाएगा। बट स्ट्रोक अपना एस फोर सूटेड एस हाई के साथ सी बेट की है, अभी भी वो गुड है, इस फ्लॉप पर भी वो गुड है। और टर्न 9 ऑफ डायमंड यहाँ पे जोसेफ हर्बर्ट जो हमारे चिप लीडर हैं उन्होंने अपना नट स्ट्रेट कंप्लीट कर लिया है। स्ट्रोक यहाँ पे ड्रॉइंग डेड ऑन द टर्न, बट हम SPR देख सकते हैं, जैसे 2.2 मिलियन चिप्स ऑलरेडी पॉट में हैं और स्ट्रोक के स्टैक में सिर्फ 3 मिलियन चिप्स। 1.5 से भी कम के इस SPR के साथ उन्होंने चेक भी हैंड किया है, और रिवर खुलता है क्वीन ऑफ डायमंड। अब बोर्ड पे स्ट्रेट के साथ साथ वन कार्ड फ्लश भी अवेलेबल है, अगर किसी भी प्लेयर के पास यहाँ पे एक डायमंड होगा तो उसका फ्लश कंप्लीटेड माना जाएगा। जोसेफ हर्बर्ट यहाँ पे अपने स्ट्रेट के साथ चेक कर रहे हैं पॉट कंट्रोल करते हुए, और यहाँ पे स्ट्रोक ने 950K चिप्स के साथ ब्लफ किया है एस हाई को, शोडाउन पे नहीं ले गए वन कार्ड फ्लश को ब्लफ करने की कोशिश। जोसेफ हर्बर्ट यहाँ पे कॉल कर चुके हैं अपने स्ट्रेट के साथ, ब्लफ करना महंगा पड़ा है स्ट्रोक को। वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर की ये मैजिकल जर्नी चलती रहेगी यूं ही, और भी थ्रिलिंग एपिसोड्स और पोकर कंटेंट के लिए देखते रहिए पोकर TV, ब्रॉट टू यू एक्सक्लूसिवली बाय पोकरबाजी।